मंदसौर प्रशासन की थोड़ी राहत के बाद बाजारों में रौनक। जहां जिला मुख्यालय मंदसौर शहर में बाजार खोलने की अनुमति है कम समय के लिए और जिले की तहसील क्षेत्र बड़ी राहत प्रशासन ने दी, लेकिन व्यापारी और ग्राहक उचित सभी सावधानी बरतें ऐसे शर्त पर रखी गई। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर में आज शुक्रवार सुबह सांसद सुधीर गुप्ता पहुंचे और सांसद ने जहां कोरोना और लॉकडाउन राहत पर अधिकारियों से चर्चा की और सब्जी ठेला व्यापारियों के बीच पहुंचे, उन्हें मास्क, ग्लव्स और कैप वितरित किया, तमाम सावधानियों के साथ सब्जी विक्रय करने की सलाह भी दी और सांसद ने नगर के सभी व्यापारियों से चर्चा की। बता दें कि मंदसौर जिले में कोरोना के 57 पॉजिटिव मामले, इनमें 4 की मौत हो चुकी और अब तक 12 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर जा चुके। अर्थव्यवस्था को लेकर, लोगों की व्यवस्था को लेकर एक चिंता बड़ा विषय भी था और इसीलिए जनता ने भी मन बनाया और सरकारों ने भी मन बनाया है कि अपनी सामान्य प्रक्रियाओं को हम धीरे धीरे चालू करेंगे, मगर इस बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सामान्य प्रक्रिया तो चालू होगी मगर फिजिकल डिस्टेंस इसको मेंटेन करना है, फेस कवर इसको लगाए रखना है, सैनिटाइजर या साबुन का घोल इसका उपयोग करते रहना है जब तक WHO इस विश्व को इस महामारी से मुक्त की घोषणा न कर दे, और ये लंबा संघर्ष है। ये जो 50 दिन आपके बीते हैं इससे भी बड़ा संघर्ष ये है कि अपने आप को मेंटेन करना। मैं देख रहा हूँ कि व्यवहार में अभी एकदम से अनुपालना नहीं हो रही है, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना अर्थात 2 गज की दूरी रखना, ये हमने करना है। आज प्रशासन के जो अधिकारी थे उनसे व्यापारियों के भाव और भावनाओं को हमने बताया है, उस अनुरूप हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि शहर के अंदर आने वाली, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये लगभग ग्रीन जोन जैसा ही है, घोषित तो ऑरेंज जोन है लेकिन हमारे गाँव में अभी इसका प्रभाव नहीं है, पर जो बाहर से ट्रकें आ रही है वो पिपलिया मंडी में अंदर आएगी तो वो सैनिटाइज होना चाहिए, और इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि नगरपालिकाएं प्रस्ताव पारित करके अड्डा शुल्क ले और उन गाड़ियों को सैनिटाइज करें। अभी व्यापारियों के लिए क्या निर्देश दिए गए? व्यापारियों के लिए सामान्य निर्देश तो अभी आएंगे, लेकिन जो व्यापारियों के सुझाव थे कि 2 बार के बाजार के बजाय 1 बार बाजार को खोलने पर काम करें, यह सुझाव व्यापारियों की तरफ से आया, यह सुझाव हमने प्रशासन को दिया, जिला और प्रदेश को भी हम इस सुझाव से अवगत कराएंगे और आपकी चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ये धर्म मानकर चलना और जिले के कलर के हिसाब से कि रेड है कि ऑरेंज है कि ग्रीन है उस कलर के हिसाब से भी गाइडलाइन बदल रही थी, फिर व्यापारियों के लगातार सुझाव भी थे प्रयोग के आधार पर, क्योंकि ऐसी महामारी का दौर कभी देश ने देखा नहीं है, चाहे वो प्रशासन रहे हो चाहे वो व्यापारी रहे हों, सबके लिए एक नया प्रयोग था, इसलिए सुझावों के दौर में से निकल रहे थे। हम ये चाहते हैं कि पुलिस का कम से कम उपयोग करें और हम अपने अनुशासन में इन सबको चलाएं, तो व्यापारियों ने इसके लिए बेहतर सुझाव दिए हैं, वो सुझाव हमने प्रशासन के समक्ष रखे हैं। जिला संवाददाता ललित शंकर धाखड़ की रिपोर्ट।